डेवलपमेंट की बात है, आपके सामने कॉलेज, ब्लॉक और धर्म तहसील, ये बड़ी बड़ी चीजें गिन रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, हमारी लाइफ लाइन टिक्कर खमाटी सड़क, जिसके लिए टिक्का साहब ने विधान मंडल में और केंद्र में मंत्रियों से विकादत की है, उसके फलस्वरूप जो आप काम देख रहे हैं वो हो रहा है, और जो उन्होंने पैसा लाया है वो आपको नजर आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे यह नम्र प्रार्थना करता हूं कि 1 तारीख को बड़ी संख्या में जाके अपना केंद्रीय वोट हमारे भविष्य कवि कृति सिंह को दे, और भाजपा के शासन का जो कड़ा शासन काल 5 सालों में था उसको काट फेंक के हमें ये जवाब देना है, अपने मतों से जवाब देना है। हम देंगे करारा जवाब देंगे 1 तारीख को, और इसमें दो राय नहीं, हमारी सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भूषण, जय कांग्रेस। ये कृपा करके अनावश्यक भीड़ जो है मंच के ऊपर से खत्म करें। सेवादल के लोगों से मेरा निवेदन है अनावश्यक भीड़ जो है समाप्त कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीटीओ के अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, ईमानदारी की मिसाल, स्वच्छ और पारदर्शी चरित्र के स्वामी श्री नंदा जी से कि वे आए और जो है अपना संबोधन दें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ देवता बलथान के आगे अपना शीश नमन करता हूँ। बहुत ही आदर के योग्य सम्मानित हमारे प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आप हमारे बीच में आज यहाँ हैं, हम आपको पाके बहुत खुश है। और इसी तरह से हमारे बीच में है टीका विक्रमादित्य सिंह जी, जो हमारे मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र से प्रत्याशी है। आपका भी सभा में स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। श्री सतीश वर्मा जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, दर्शन दास ठाकुर जी, देशराज गौतम जी, देश रत्न गौतम जी, चंद्रबाबा नेगी जी, हुक्म सिंह जी, त्रिलोक बलूनी जी, बिमला शर्मा, रीता धीमान, आशीष कायत, देवी सिंह जिष्टू, यशपाल सोनी, किरू राम जी, लालचंद जी, चुनीलाल, राजकांता बिहारी सहयोगी, और सुरेंद्र रेटका जी, महेंद्र स्थान जी, राजकुमारी जी, तमाम जितने भी यहाँ NSUI के हैं, विवेक कश्यप है और राजीव चौहान है CPIM से, आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं ज़्यादा समय लेता हुआ, आपको मालूम है ये इलेक्शन का रैली है, इसमें अभी इनको जो है टीका साहब को, हमारे मुख्य उप मुख्यमंत्री को अभी निर्मल जाना है, निर्मल के बाद चौपाल जाना है, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे हम। सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहेंगे, आज ये चुनाव की बेला है, टीका विक्रमादित्य सिंह को आज जो है यहाँ से हिमाचल मंडी पार्लियामेंट हल्के से जो टिकट मिला है और जिस अभियान में हम यहाँ हैं, हम इस भीड़ को देख के हम दावे से कह सकते हैं, ये जो भीड़ है इसको देख के हम दावे से कह सकते हैं, आपने टीका विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली पहुँचा दिया, दिल्ली पहुँचा दिया। ये अब इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, आपने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली पहुँचा दिया। हम नहीं भूल सकते विक्रमादित्य जी, आप जब यहाँ त्रासदी हुई थी, त्रासदी में आप हेलीकॉप्टर से आए थे दिल्ली से, शिमला से, और शिमला से जब आए त्रासदी के लिए यहाँ, तो आपने आप लैंड नहीं कर पाए बीथल में, और आप जंगल में आपका हेलीकॉप्टर लैंड किया त्रासदी के लिए, जो आप आर्थिक सहायता लेके आए थे, पूरा रामपुर आपको भूल नहीं पाएगा, इतना बड़ा रिस्क लेके आप परमानेंट मुख्यमंत्री आए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह त्रासदी में आपने काम किया, आपका प्यार, आपका सहयोग पूरे रामपुर में जिस तरह है, अंग्रेजी में बोलते हैं फील ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपने आदमी में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, आपसे मैं हार्दिक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बार 100% जो है हमारे जो जितने दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, CPIM के, आम पार्टी के जितने भी लोग हैं हमारे साथ हैं, और इस बार पक्का जो है एक एक वोट टीका विक्रमादित्य सिंह के झोली में जाएगा, ये मैं आपसे आग्रह करने आएगा, वो आपने आज करके भी दिखा दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ये तेजस्वी विचार सुने आदरणीय विधायक महोदय जी के। मैं श्री कांचन मेहता जी, मेरा निवेदन रहेगा हमारे मंडल कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश वर्मा जी से कि वे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री
श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को टोपी पहनाकर उनका सम्मान करें। टोपी एवं शॉल पहनाकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो हिमाचल प्रदेश के हरिदेव सम्राट है उनका जो है सम्मान करें। मेरा निवेदन रहेगा जो जोन के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेश कायत जी कि वे जो है हमारे शाने हिमाचल राजा बुशहर युवा आइकन राजा विक्रमादित्य सिंह जी को टोपी पहनाकर सम्मान करें। श्री राजीव नेगी जी जो समाज सेवी नेता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एक क्लास कि वे तलवार भेंट कर आदरणीय टीका साहब जी को सम्मानित करें। श्री हुकम सिंह जी जगबी श्री हुकम सिंह जी जगबी मनमोहन नेगी जी जगबी से मेरा निवेदन रहेगा हुकम चंद जी से कि हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय आदरणीय श्री नंदलाल जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। श्री जिला परिषद श्री नंदलाल जी मेरा मनमोहन नेगी जी से भी निवेदन रहेगा कि वे जो हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय टीका साहब एवं आदरणीय नंदलाल जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल की शान युवाओं के दिलों की धड़कन आम वर्गों की आवाज को बुलंद करने वाले जन नायक राजा बुशहर श्री विक्रमादित्य सिंह जी से कि वे आए और यहां पर उपस्थित जन समूह को अपना शुभ आशीष प्रदान करें। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ननकरी की प्रबोध जनता रामपुर की प्रबोध जनता जो अपना आशीर्वाद प्यार और समर्थन देने के लिए हमको यहां पर आए हैं। सभी हमारी माताएं भाई बहन युवा साथी और बुजुर्गवान आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, विशेष रूप से यहां पर आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। आदरणीय नंदलाल जी जो हमारे माननीय विधायक है चेयरमैन है, सतीश वर्मा जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष है, दर्शन दास ठाकुर जी, देश रतन गौतम जी, चंद्रप्रभा नेगी जी, हुकुम सिंह जी, सुरेंद्र रेटका जी, महेंद्र स्थान जी, त्रिलोक बलोनी जी, राजकुमार सोनी जी, विमला शर्मा जी, रीता धीमान जी, आशीष कायत जी, देवी सिंह जिस्टू, यशपाल सोनी, लालचंद जी, चुन्नी लाल जी, राजकांता जी, बिहारी सुवेगी जी, पवन चौहान जी, तरुण कायत जी, जगत भंडारी जी और हमारे सीपीआईएम के भी यहाँ पे साथी आए हैं, सीपीआई के साथी आए हैं, आम आदमी पार्टी के साथी आए हैं, विवेक कश्यप जी, राजीव चौहान जी और सभी और साथी। बोलने को बहुत कुछ है मगर समय का अभाव है क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है चुनाव का और इसके बाद एक और जनसभा आनी जिला के निर्मंड के अंदर रखी है। समय भी थोड़ा खराब हो रहा है
तो इसलिए मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर समय की कमी की वजह से बहुत लंबा समय आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरा आपसे यही निवेदन है, सभी माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, सबका सबका धन्यवाद, काइंडली बैठ जाओ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं इस बार मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपको, ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह का नहीं है, ये आप लोगों का चुनाव है। आपने ख्याल रखना है अपने बेटे का, अपने भाई का, ना इसमें कोई भाजपा है ना इसमें कोई कांग्रेस है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, और यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाना ये मेरा दायित्व ही नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा घर है, और हर चीज का ख्याल कैसे रखना है वो आपके आशीर्वाद के साथ, माँ भीमा काली के आशीर्वाद के साथ हम सबको उसके बारे में जानकारी है। यहाँ के जो भी मसले हैं पहले भी हमने उनको उठाया, और आने वाले समय में भी उनको उठाना ये हमारी प्राथमिकता है। हमने हमेशा पिछले 15 महीने में भी आपने देखा, जिस मंच पे भी मैं गया, चाहे हमीरपुर गया, चाहे दिल्ली गया, चाहे केंद्रीय मंत्रियों से मिला, हर जगह पे मैंने एक आवाज जरूर रखी, वो हमारे टिक्कर खमाड़ी सड़क की है। और इसके लिए हमने अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकार करवाया, इसका काम आधा हो चुका है, आधा इसका कार्य जो है वो पूरी मजबूती से आने वाले समय में होगा। ये इसकी और भी जो इलाके के, अभी हमने पीछे ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से करीबन 30-40 करोड़ के यहाँ के अलग अलग सड़कों के, करीबन 4-5 सड़कों के, केवल नटकरी इलाके के सड़कों के हमने अपग्रेडेशन का कार्य यहाँ पे किया। वैसे ही हमारे सरान क्षेत्र में किया, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो इलाके में क्या विकास के कार्य करने हैं उनको जानकारी आप हमसे, आप लोगों से मिलती रहती है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि ये क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अभी मैंने पूरा मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, चाहे आपका सरका घाट है, चाहे जोगिंदर नगर है, चाहे मंडी है, आपका बल है, आपके कुल्लू के इलाके है, और हर जगह पे लोगों का अभूतपूर्व प्यार और समर्थन हमें मिला है। और हम जानते हैं कि ये जीत निर्णायक होगी, ऐतिहासिक होगी, और आने वाले जो है राजनीतिक भविष्य में एक बड़ा कदम हम सब के लिए साबित होगा। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, विकास के मुद्दे तो हैं, हमने एक पूरा विजन पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा है, चाहे उसमें मंडी शहर के स्मार्ट सिटी की बात है, जलोरी जोड टनल के निर्माण की बात है, भूभू जोड टनल की बात है, और उन बातों में मैं विस्तृत रूप से बहुत लंबे समय उसमें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बहुत पूरे संसदीय क्षेत्र के मसले हैं। मगर जहां तक रामपुर की बात है, नरखरी की बात है, ये हमारा घर है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारे बागवान, हमारे किसान, हमारे युवा साथी, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा एक, मैंने इसी मन से कहा था चुनावों के समय में, जब पीछे विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कि मैंने आपसे ये वादा किया था कि हम यहाँ पे सीए स्टोर आने वाले समय में बनवाएंगे, और इसके लिए मैं आपको ये वादा फिर से कर रहा हूँ। सड़क का तो हमने पहले वादा किया, वो हमने पूरा कर दिया है, जो दूसरा हमारा सीए स्टोर का है। और एक और बात मैं कह रहा हूँ कि हमने बागवानों के लिए खास रूप से, जब हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मैं एक फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट नंखरी के लिए आने वाले समय में लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ के बागवानों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, उस पर हम पूर्ण रूप से आने वाले समय में कार्य करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये लड़ाई ना भाजपा की है ना कांग्रेस की है, रामपुर से इस बारी ऐसी ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, ऐसी ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए कि यहां से संदेश सीधे दिल्ली तक जाना चाहिए। तो यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे आग्रह है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि समय के अभाव की वजह से मैं
विभिन्न क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाया, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग जोन में मैं नहीं जा पाया, मगर ये विक्रमादित्य सिंह का आपको वादा है, चुनाव जीतने के बाद मैं हर जोन का हर पंचायत का दौरा करूंगा। जितने हमारे बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, युवा साथी, महिलाएं, बुजुर्गवान जो अपने अपने बूथ के ऊपर कार्य कर रहे हैं, बहुत से अनगिनत चेहरे हैं जिसने जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, मैं जानता हूं, मगर मैं अभी आपका अभिवादन तो कर ही रहा हूं, मगर आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हर जोन का बैठक करूंगा और जितने हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उनका हम धन्यवाद करेंगे और उनके साथ जो भी इलाके के विकास के कार्य हैं। आप जैसा मैंने कहा, ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह नहीं लड़ रहा है, ये आप लोग लड़ रहे हैं। जो आपने बात हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ के लोगों ने जो बात आगे लोगों से करी है, वो आप विक्रमादित्य सिंह बनकर कह रहे हैं, उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको हम निश्चित तौर से आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी पीछे आपदा के दौर में इतना नुकसान हमारे ननखड़ी क्षेत्र के अंदर हुआ, हम दिन रात यहाँ पे लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी इलाके का दौरा किया और आपदा प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए से 7 लाख रुपए जो है देने का निर्णय किया है। और वैसे ही महिलाओं की पेंशन के बारे में जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, मैं स्थिति साफ कर रहा हूं, इसमें सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट, और मैं जो भी है यहाँ पे मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, 800 करोड़ रुपए का बजट जो है हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और 6 जून से जिन महिलाओं ने इन फॉर्म को भरा है उनको 1500 रुपए आपके अप्रैल और मई के 3000 रुपए मिलाकर साल के 18000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का आपको वादा है और ये निश्चित तौर से पूरा होगा, मैं आपको इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा जो हमारी केंद्र में कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि महिलाएं न्याय योजना के तहत केंद्र सरकार से भी आने वाले समय में हर पात्र महिला को 1 लाख रुपए सालाना और 8000 रुपए हर महीने केंद्र सरकार की ओर से भी आने वाले समय में दिया जाएगा। हमारी जो अग्निवीर योजना है उसको बंद कर पहले के तरीके में उसको शुरू किया जाएगा और मनरेगा की दिहाड़ी को 400 रुपए जो है प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया। तो थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा है, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी फिर से सभी प्रबुद्ध जनता का, सभी बुजुर्गवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, नौजवान, मैं आप सब से मेरा ये विनम्र निवेदन है, आपसे अपील है कि आप सबने मैं जानता हूं कि आपने वोट हमको डालना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जब तक हमारी वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तब तक हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम यहाँ पर जो है 80% मतदान जो है वो 1 तारीख को यानी परसों होना चाहिए। सबको, चाहे हमारे बुजुर्गवान हैं, हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, सबने समय निकालकर बूथ अपने बूथ पर जाना है और वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी को सफल बनाना है। अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से संपूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देना है और मिलकर हम आगे चलेंगे। और मेरा ये आपको अंत में वादा है, ये वादा है कि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में रामपुर का, बुशहर का डंका